हेलो फ्रेंड्स, ये कुछ तैयारियां हैं जो मैं अपने फर्स्ट नैनीताल मोटर राइड बाइक राइड से पहले मतलब प्रीवियस नाइट में मैं तैयार कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों के साथ अपने बैगेज को। दिस इज़ द बैगेज विच इज़ गेटिंग रेडी फॉर माय फर्स्ट नैनीताल टूर विद बाइक। सबसे पहले आप देखिए, दिस इज़ माय हेलमेट विच इज़ कम्प्लीटली रेडी which I'll be putting on my head। और सामने ये कैमरा माउंट जिसके साथ हम कैमरे को सेट करेंगे, एंड दिस इज माइक सेटअप जो कैमरे में लगेगा, और वो इंटरनल यहाँ पर रिकॉर्डर है जहाँ से मेरी वॉइस रिकॉर्ड होगी। नेक्स्ट थिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होता है जब भी आप राइड पे जाएं, दिस इज 20,000 mAh का ये हमारा पावर बैंक, बट यू कैन कीप इट ऑफ 40,000 mAh ऑल्सो, और 50,000 और 10,000 mAh एज पर यू नीड। दिस इज माई स्मार्ट वॉच बोट, दिस इज माई पावर केबल जो कनेक्टर है, इनफैक्ट जो मेरे बाइक में कैमरा स्टैंड जो है, जो मोबाइल स्टैंड है उसको ये चार्ज करेगा। दिस इज माई ईयरफोन, ब्लूटूथ बोट का है ये, येस। एंड दिस इज सेल्फी स्टैंड जो रिमोट के साथ आता है, जब आप रास्ते में जा रहे हो और सेल्फी लेने का इच्छा हो तो यू कैन जस्ट यूज़ विद अ रिमोट फंक्शन। ये आप देख रहे होंगे, इसमें दिस कैन बी यूज्ड एज टेबल स्टैंड ऑल्सो, जब वहाँ पे हम होटल में ठहरेंगे तो दिस कैन बी यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द वीडियोज ऑल्सो। और ये हमारा जा रहा है ये स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड वीडियो शूटिंग के लिए। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक प्रिपरेशंस। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जो लेकर के जा रहे हैं, लाइक इन जनरल इफ आई टॉक देन सम ऑफ द थिंग्स लाइक सम क्लोथ्स, एक्स्ट्रा क्लोथ्स एंड सम फूडिंग मटीरियल्स, सम डेली नेसेसरी थिंग्स, some medicines like first aid kit. You must not forget this thing because this takes very important place while you are traveling alone. This is a solo ride, so while you are traveling alone this matters a lot to you कि आप इन सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखें और ये सारी चीज़ें कम से कम अपने साथ ज़रूर रखें। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कुछ सेफ्टी पैरामीटर्स, एज दिस इज माई फर्स्ट बाइक राइड, सोलो राइड, ऑल दो आई हैड विजिटेड नैनीताल सो मेनी टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स आई हैड गॉन नैनीताल, बट बाई कार, नॉट बाई बाइक, और बाइक से वो भी सोलो, ये फर्स्ट टाइम है मेरा। जस्ट टू हैव द एक्सपीरियंस कि देखते हैं कैसा होता है। दीज आर फॉर लेग सेफ्टी एंड हैंड सेफ्टी, ये होगा HRX का। एंड नॉट टू फॉरगेट, दिस इज मोटो बाइकर gloves also। Nainital with all these protective gears because safety comes first always, just to move on. Hope the journey could be just very okay and very good by the grace of God. My co-partner, meet my co-partner, he's also joining with me, Mr. Prashant Kumar. Hi. And behind all these preparations, somebody is also there. Hi. सो होपफुली इन द नेक्स्ट जर्नी मेरी बीवी की वो मेरे साथ ज्वाइन कर सके। बिल्कुल ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। Thank you.
सो अब ये हम दिल्ली रोड पे एंटर कर चुके हैं, ये साईं हॉस्पिटल, यू कैन सी हियर, मेरे घर के जस्ट पास में ये दिल्ली रोड, मुश्किल से 600 मीटर की दूरी पे। और ये जर्नी हमने स्टार्ट की है 3 दिसंबर 2022 के मॉर्निंग 7:35 पे, और इन बिटवीन हम रास्ते की अपडेट्स आपको देते जाएंगे और हम देखते हैं कितने बजे तक नैनीताल पहुँचते हैं। हालांकि ऐसी कोई हड़बड़ाहट नहीं है हमें, हम पूरा एंजॉय करते हुए रास्ते में घूमते हुए नैनीताल पहुँचेंगे। सो जस्ट एंजॉय द जर्नी विद मी। ये हम आ गए फवारा चौक, यहाँ से टर्न लेकर के हम स्टेशन की तरफ मुड़ेंगे। अगर ये हम टर्निंग नहीं लेते तो दिस वाज टुवर्ड्स कांट रोड मीन्स हरिद्वार की ओर, बट हम जा रहे हैं इस तरफ लखनऊ की तरफ, और इसी तरफ से बीच में रास्ता कटते हुए वो नैनीताल की तरफ। तो टेम्प्रेरी जो हमारा हाईवे है करेंटली जो हमने लिया है वो है लखनऊ की तरफ के लिए। जर्नी से पहले कुछ मॉडिफिकेशन हमने बाइक में करी है, लाइक फॉग लैंप लगाया है, और लाइक मेरे इस अपाची में, अपाची 162V RTR, इसमें वो फ्लैश इंडिकेटर जो होते हैं, मतलब हजार इंडिकेटर यू कैन से कि चारों एक साथ जलते हैं जो इंडिकेशन देता है कि नो वी आर ऑन द रोड, वो इसमें नहीं था। तो वो किट भी लगवाया है जिससे चारों इंडिकेटर एक साथ ऑन हो। और ये हम पहुंचने वाले हैं मुरादाबाद रेलवे स्टेशन। मुरादाबाद के बारे में थोड़ा सा बता दूं, मुरादाबाद इज नोन एज ब्रास सिटी। पिछले तकरीबन 16 सालों से मैं मुरादाबाद में यहाँ पर सेटल्ड हूँ, 15 साल 16 साल तकरीबन। बहुत बढ़िया जगह है, बहुत ही सुकून वाला जगह, बहुत बढ़िया जगह। भारत की अर्थव्यवस्था को मेंटेन रखने में मुरादाबाद का एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं भी आपको मुरादाबाद रेलवे स्टेशन भी दिखाता हूँ। हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे। अपने घर से निकलने के बाद मुश्किल से 3 मिनट के अंदर हम मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये मुरादाबाद स्टेशन है। इजली यू कैन अंडरस्टैंड कि हम शहर से कितनी दूर है हमारा घर, बिल्कुल मेन टाउन में हम हैं। और अब ये जर्नी हम कंटिन्यू करते हैं आगे नैनीताल की तरफ। इन बिटवीन आई विल कीप यू पोस्टिंग रिगार्डिंग ऑल दीज अपडेट्स। तकरीबन हमने कवर कर लिया है, अगर मैं स्क्रीन पे बाइक में नज़र डालूं तो 68.4 किलोमीटर्स ये दिखा रहा है जो हमने कवर किया है। 10 किलोमीटर उससे पहले की रनिंग थी, तो तकरीबन 58.4 मीन्स अराउंड 60 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं मुरादाबाद से नैनीताल के रास्ते पे। हमने इस बीच स्वार टांडा रामपुर क्रॉस किया है और भोजपुर क्रॉस किया है, और ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये बैठ जा, ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये है उत्तराखंड देवभूमि की एंट्री, मतलब यूपी और उत्तराखंड का बॉर्डर। तो यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं उत्तराखंड में देवभूमि में, जहाँ हम नैनीताल के लिए जा रहे हैं। दिस इज़ द चेक पोस्ट। तो कहानी ये है कि हम लोग एंटर कर चुके हैं अब देवभूमि उत्तराखंड में। आप उत्तराखंड की सैर का मजा लीजिए हमारे साथ। आप भी अपने केजे के साथ, केजे स्टैंड्स फॉर कुमारजीत, तो योर केजे इज विथ यू ऑल ऑन दिस ग्रैंड ट्रिप ऑफ नैनीताल फ्रॉम मुरादाबाद। दिस इज अ सोलो राइड। बेसिकली द बेनिफिट ऑफ सोलो राइड इफ आई एम टॉकिंग, एक कहावत है, अकेला होना और अकेला रोना
इंसान को बहुत ही मजबूत बना देता है। आप ज़िंदगी में खुशियां बहुत हैं जब आपके साथ परिवार हैं, आपके चाहने वाले हैं, आप सारे लोग हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको कभी ना कभी कोशिश करनी चाहिए कि हम अकेले होकर किसी काम को एग्जीक्यूट कर सकें। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं दोस्तों के साथ, कभी अकेले मूवी देखने का प्लान बनाइए। जस्ट एंजॉय योर ओन कंपनी, दिस विल मेक यू स्ट्रॉन्ग, सुपर स्ट्रॉन्ग। सो दैट इज़ द थिंग। और यहाँ पे दो रास्ता मुड़ रहा है, तीन रास्ता मुड़ रहा है, पता नहीं नैनीताल किधर है, पूछना पड़ेगा किसी से, इनसे पूछते हैं। भैया नैनीताल का रास्ता किधर से? सीधा निकल जाए। थैंक यू। भैया ने बता दिया इधर से सीधा निकल जाइए, नैनीताल पहुंच जाएंगे। तो हम सीधे निकल रहे हैं नैनीताल पहुंचने के लिए। हाँ तो मैं बात कर रहा था, अकेला होना और अकेला रोना इंसान को बहुत ही मजबूत बना देता है। सो कीप ट्रेनिंग योरसेल्फ कि आप स्ट्रांग बने, इसलिए नहीं चूँकि आप अकेले रहे हैं, बट इसलिए चूँकि स्ट्रांग होना आपको ज़िंदगी के कई उतार चढ़ाव में आपकी मदद करता है कि आप उन परिस्थितियों को झेल सकें। तो इसकी ट्रेनिंग ऐसे स्टार्ट होती है कि कभी कोशिश करिए जब आप मूवी जा रहे हो तो बिना कॉलिंग, विदाउट कॉलिंग एनीवन, अकेले अपनी कंपनी एंजॉय कीजिए। किसी लंबे ट्रिप पे जा रहे हो, जस्ट गो अलोन। तो दिस विल गाइड यू टुवर्ड्स योर स्ट्रेंथ। तो अब यहाँ से 56 किलोमीटर उत्तराखंड की सड़कें और उत्तराखंड देवभूमि जब आप प्रवेश करते हैं तो यहाँ का नज़ारा और यहाँ का खूबसूरती, यहाँ के प्राकृतिक दृश्य बात ही निराली है। ऑल्दो आई विजिटेड सो मेनी टाइम्स इन उत्तराखंड मैनी प्लेसेस लाइक केदारनाथ, नैनीताल, तो पता नहीं कितनी बार आया हूँ मैं, रामनगर, जिम कॉर्बेट पार्क, तो जितनी भी बार आता हूँ उतनी बार मज़ा उतना ही ज़्यादा आता है। ऐसा नहीं कि आई गेट बोर्ड और कि यहाँ मैं कई बार आ चुका, ऐसा कुछ नहीं। प्रकृति के साथ प्रकृति का आनंद लेना वो एक अलग ही सुखदायी अनुभव होता है। रोड भी ठीक ठाक है, शुरुआत जब हमने यूपी से करा था मुरादाबाद से, शुरुआत के 25-30 किलोमीटर के आसपास बहुत ही ख़राब सड़कें थी, बहुत ही ख़राब, बहुत गंदी सड़क थी। उसके बाद से सड़कें तकरीबन इसी तरह की है। अब अगर इस सड़क को टू वे बना दिया जाए, मतलब बीच में डिवाइडर डाल दिया जाए, तो ये ज़्यादा सेफ हो जाएगा, क्योंकि नैनीताल जाने का यही रास्ता है जो वन वे है। तो दिस इज डेंजरस, क्योंकि गाड़ियाँ कभी इधर से आने वाली उस लेन में चली जाती है, उधर से आने वाली इस लेन में आ जाती है, और अगर वहाँ पे बीच में डिवाइडर है तो दिस इज सेफ फॉर ऑल। होप आगे ये ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। और ये फिर सफ़र जो हमारा नैनीताल का सफ़र तकरीबन 3.5-4 घंटे का लगता है, वो और भी कम हो जाएगा। मुझे लगता है वो तकरीबन फिर 2-2.5 घंटे का हो जाएगा, सिर्फ बीच में डिवाइडर डल जाने से। शायद सरकार की नज़र में ये आए और वो ये चेंजेस करे। तत्काल तो हम नैनीताल को एंजॉय करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो चाय के लिए हमने ले लिया है स्टॉपेज यहाँ पे। ये हमारी आज के मॉर्निंग की, 3 दिसंबर 2022 के मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, पता नहीं हेल्दी या अनहेल्दी क्या कहा जाए, बट ब्रेकफास्ट यही है। क्या लगा है बोर्ड में? बोर्ड में लगा है कि सावधान वन्य प्राणी अचानक सड़क पर आ सकते हैं। मतलब भाई साहब आप जंगल, ओपन जंगल में घूम रहे हैं। वन्य क्षेत्र काला ढूंगी, रामनगर क्षेत्र। आप वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। आई एम जस्ट हैविंग द सेम फीलिंग जैसा मैं मैक्सिमम जिम कॉर्बेट ओपन
फॉरेस्ट में जाता हूँ उसी तरीके से ये काला डूंगी का ओपन फॉरेस्ट है। हर तरफ सावधान सावधान के बोर्ड हैं, कभी भी शेर निकल कर आ सकते हैं और कभी भी हाथी निकल कर आ सकते हैं। बहुत ही खतरनाक और सिरहन पैदा करने वाला ये क्षेत्र, जहाँ पे ठंडी ठंडी ये हवा के बीच में नैनीताल की तरफ हम लोग बढ़ते हुए अपने शानदार स्थान की सवारी अपाची 160 से रिसेंटली हैड परचेज दिस अपाची, और अभी ये मेरे साथ पहले लंबे राइड पे जा रही है, मतलब मैं इसके साथ पहले लंबे राइड पे जा रहा हूँ। इससे पहले सारे राइड्स हमने अपने कार से करी है, तो दिस इज़ द फर्स्ट लॉन्ग राइड विथ माई ब्लू बीस्ट अपाची RTR 162 भी। काला ढूंगी के ओपन फॉरेस्ट में ये जंगल का नज़ारा आप भी देखिए। बीचों बीच जंगल से हम क्रॉस करते हुए नैनीताल जाने के मार्ग पे, नैनीताल 35 किलोमीटर मात्र। वो कई बार नैनीताल आ चुका हूँ, लेकिन इस बार जो नैनीताल से मिलने की खुशी है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पहली बार इस तरीके से, जब आप बाइक पे होते हो ना तो एक एक चीज़ को फील करते हुए चलते हो, एक एक मोमेंट्स, एक एक चीज़ को, लेकिन जब आप कार के अंदर आप सफ़र करते हो, ऑल्दो कार इज कंफर्टेबल जर्नी, बस आपने शरीर सीट पे डाल दिया है और शीशे चढ़ा लिए हैं आपने, तो यू डोंट फील द थिंग्स, यू जस्ट रीच द डेस्टिनेशन और फिर डेस्टिनेशन पे जाके आप इंजॉय करते हो कार में। बट बाइक में जब आप जाते हो तो रास्ते की पूरी जर्नी को आप इंजॉय करते हो। तो एज इट इज़ टोल्ड, लाइफ इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी, सो एन्जॉय द जर्नी। तो उसी जर्नी को इन्जॉय करने के लिए हम लोग इधर चल रहे हैं। नैनीताल इधर भैया ना, तो वहां से नैनीताल के लिए टर्न है। अब ये ऐसा लग रहा है कुछ हम पहाड़ों की तरफ अब चल रहे हैं। शानदार शानदार से कट, शानदार शानदार से मोड़, जिसे मोड़ते हुए कट करते हुए हम ऊपर की तरफ नैनीताल को चढ़ाई चढ़ेंगे। धन्यवाद, आपकी यात्रा मंगलमय हो, किसी ने हमसे कहा है, धन्यवाद आपकी यात्रा मंगलमय हो ऊपर बोर्ड में। लो जी फिर से आ गए जंगल में, हम ओपन जंगल में। कई बार दिल में इच्छा होती है यार टाइगर आ जाए, एक बार टाइगर को देखें सामने से, बट फिर अंदर से सोचता हूँ यार ना ही आए तो बढ़िया है, देखने के लिए जू में देख लेंगे, कम से कम कंट्रोल टाइगर तो होगा, देखने के लिए टीवी में देख लेंगे, कंट्रोल टाइगर होगा, सामने आ जाने पे पता नहीं उसका बिहेवियर कैसा होगा, दैट इज़ क्वाइट डेंजरस। और जितनी भी बार मैं जिम कॉर्बेट गया हूँ, जिम कॉर्बेट पार्क ओपन पार्क में मैं अंदर भी गया हूँ वन विभाग की जीप से, तो वहाँ भी मैं ऊपर वाले से यही मनाता था कि हे प्रभु बस हमें वो ना मिले, टाइगर ना मिले, जबकि देखने हम टाइगर ही गए। क्या मज़ा है भाई, अल्टीमेट नज़ारा, अल्टीमेट मज़ा। बाइकिंग का मज़ा ही अलग है ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में, और शानदार अपाची ने कहीं से कहीं तक निराश नहीं किया है। ऐसे खतरनाक खतरनाक कर्व्स में भी अपाची बहुत शानदार तरीके से चल रही है। वाओ, बहुत ही शानदार। बहुत ही मज़ेदार। और हम नैनीताल की चढ़ाई हमने चढ़नी शुरू कर दी है। दिस वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी टुवर्ड्स नैनीताल।
बिल्कुल, मतलब सो कूल वेदर, अचानक से गर्मी थी और अचानक से ठंडी लगनी शुरू हुई है और बिल्कुल तीर की तरह ये जा रही है अंदर। जानवर रोड पार कर सकते हैं, कृपया ध्यान से गाड़ी चलाएं, सड़क पार करने का पहला अधिकार उनका है, ये सूचना अभी हमें मिली है पिछले बोर्ड से। नाउ वी आर डिसाइडिंग कि जानवर कहाँ पे है, यहीं आसपास कहीं जंगल में है। ओहो, पता नहीं आप महसूस कर पा रहे नहीं इस वीडियो से कि कितना मज़ेदार नज़ारा है ये। ओहो, क्या चढ़ाई है और मेरी अपाची शानदार। ओहो माय बेस्ट, माय ट्रू फ्रेंड। हाँ शानदार, खुश कर दिया इसमें दिल हमारा। लव यू मेरी जान, अपाची आरटीआर 162V। क्या मजा है भाइयों, नैनीताल की फीलिंग लेना शुरू कर दो। नैनीताल लगभग एंटर कर चुके हैं हम, मतलब अभी पहुंचने में तकरीबन आई थिंक कि 25 से 30 किलोमीटर है, बट फीलिंग तो अभी से स्टार्ट हो गई है नैनीताल की। अल्टीमेट नज़ारा भाई साहब, अल्टीमेट नज़ारा। कहीं पर रुक के थोड़ी सी फोटोग्राफी करते हैं। ओहो क्या आज इसको क्या कहते हैं एग्जैक्टली, मैं कई बार नैनीताल आया हूँ, इस तरह के टर्न को जो भी हमने क्रॉस किया है, हाँ दिस इज़ कॉल्ड हेयर पिन बैंड, दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस टर्निंग, हेयर पिन बैंड जो भी हमने क्रॉस किया था, ऐसे कुछ एक हेयर पिन बैंड्स आते हैं पूरे नैनीताल के इस जर्नी में, जैसा अभी जस्ट हमने क्रॉस किया था, लाइक दैट काइंड ऑफ हेयर पिन बैंड जर्नी। और ये हनुमान जी, कई सारे हनुमान जी रास्ते में मिले हैं, राम भक्त हनुमान। पूछो मत भाई साहब क्या नज़ारा है, मैंने अभी से कह दिया मैं दोबारा फिर आऊँगा बाइक से नैनीताल। व्हाट अ जर्नी, अल्टीमेट, बाइक दौड़ाने का मजा इन पहाड़ों पे, इतनी ऊंचाई पे और इतने कर्व्स वाले इन रास्तों पे। बट हाँ, ड्राइव केयरफुली, और जो एक चीज़ मैं कहूँगा कि नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव ऑन दिस काइंड ऑफ रोड्स, जो ये रोड्स हैं इस पे ड्रिंक एंड ड्राइव कभी ना करें आप। अपना बैक रिव्यू मिरर ज़रूर स्ट्रॉन्ग रखें आप, बाइक की ब्रेकिंग ज़रूर स्ट्रॉन्ग रखें आप, ये चीज़ें हैं जो आप पहले से चेक कर लें। और ये देखें यहाँ पे नैनीताल 29 किलोमीटर, तो 29 किलोमीटर की चढ़ाई हमें ऐसे ही चढ़नी है जैसे आप देख रहे हैं, तो 29 किलोमीटर तक मैं आपको ये वीडियो कंटिन्यू करता हुआ नहीं दिखा सकता, तो इन बिटवीन जैसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे हम पहुंचेंगे, आई विल जस्ट कीप माय कैमरा ऑन टू शो यू ऑल द व्यूज़। ये देखिए ऊपर कुछ बोर्ड है, अल्मोड़ा नैनीताल 29 किलोमीटर, सो दिस इज लाइक दिस। ओहो भाई साहब, नीचे भरपूर धूप थी और अब लग रहा है ये शिमला पहुंच गए हम। अल्टीमेट नज़ारा डियर फ्रेंड्स, लविंग ब्रदर्स सिस्टर्स। तो आई विल कंटिन्यू माय वीडियो, अभी तत्काल के लिए पहुंच कर रहा हूं, चूंकि ये 29 किलोमीटर की चढ़ाई है पूरी दिखानी संभव नहीं है इतनी लंबी वीडियो, तो यहाँ पे स्टॉप लेकर के थोड़ा सा इसको बंद कर रहा हूँ मैं। ये हनुमान जी से मिले आप, इतने सारे हनुमान जी हैं हमारे यहाँ पे। हेलो,
हाय। हाय, ये है अपने शान की सवारी जो हमें लेकर के मुरादाबाद से यहाँ तक आई है नैनीताल। अभी हालांकि 20 किलोमीटर और हैं पहुँचने में। बहुत ही शानदार सवारी, कहीं का साथ नहीं छोड़ा है इसने हमारा। यहाँ से नैनीताल मंदिर, यहाँ से 36 किलोमीटर, सिलवरी 23 किलोमीटर, जलाल 10 किलोमीटर, फापला 7 किलोमीटर।